नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ संजीव। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के योगीपुर बाजार में। यहां के लोगों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां से वर्तमान विधायक शक्ति सिंह यादव फिलहाल हैं, फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लोगों का क्या रुझान है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, एक और नया विकल्प, तीसरा विकल्प पप्पू यादव का। लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की स्थिति क्या है और उन जनप्रतिनिधि की स्थिति क्या है जो लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लगता है सर आपको, जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, विकास हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों, तो यहाँ के विधायक जी से नाराज हैं? विधायक जी से नाराज नहीं है, यहाँ तो काम हम लोग को नहीं हुआ है। तो जो आशा था विधायक जी से कि हाँ विधायक बन के जाएंगे शक्ति सिंह यादव, काम करा पाएंगे, नहीं करा पाए? नहीं, काम तो नहीं करा पाए। क्या लगता है एनडीए गठबंधन की ओर जाएंगे आप लोग, समर्थन किसके तरफ है, या फिर पप्पू यादव भी एक विकल्प है? हम लोग पप्पू यादव का समर्थन करते हैं। लगता है कि पप्पू यादव के अगर उम्मीदवार यहाँ से लड़ते हैं, आते हैं, तो निकल पाएंगे, सीट निकाल पाएंगे? निकल पाएगा सीट एकदम, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, और कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है सर, क्षेत्र का विकास हुआ कहीं में, हो पाया है? नहीं हुआ है, जोगीपुर तो आज तक विधायक जी अभी नहीं किए एक बार। अच्छा, विधायक जी यहाँ आए भी नहीं? नहीं भी आए, सिर्फ आए थे, जीते थे उसी वक्त, हम लोग अभिनंदन समारोह किए थे उनका, उसके बाद नहीं आए कभी। नहीं, अभिनंदन समारोह किए, सोचे कि बहुत अच्छा विकास करेंगे, लेकिन जिस वक्त जीते उसी वक्त, उसके बाद जोगीपुर के लिए कुछ नहीं किया। फिर से आपके शक्ति सिंह यादव फिर से चुनावी मैदान में है, फिर से राजद के टिकट पे, क्या लगता है? नहीं, उनको नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं। क्या लगता है, एनडीए गठबंधन फिर, या फिर तीसरा विकल्प पप्पू यादव? एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, वो अभी अफसरशाही में है, सिर्फ पीले हुए हैं। किसी तीसरे विकल्प की ओर बढ़ने के आप लोग सोच रहे हैं? तीसरे विकल्प की ओर हम लोग बढ़ने के लिए। क्या लगता है आपको, फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है, फिर लालू यादव महागठबंधन? नीतीश जी का आवेगा सरकार, नीतीश जी का आवेगा। तो नीतीश जी के पार्टी से तो कोई और है, लेकिन वर्तमान विधायक की बात कर लिया जाए, शक्ति सिंह यादव जो विधायक है, फिर से चुनावी मैदान में है, आप आएंगे? नीतीश जी आएंगे। क्षेत्र की स्थिति क्या है, जनप्रतिनिधि की स्थिति क्या है? प्रतिनिधि का जैसे नीतीश कुमार का तो विकास का काम बहुत किया, हर घर में बिजली, जो कभी जिंदगी में 20 साल में कभी बिजली नहीं थी, सभी फायदा उठा रहे हैं। रोड नहीं थी, रोड घर घर है, घर घर नल जल है, जो आदमी खोलता है पीता है, पहले पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन ये बहुत विकास का काम किया है। वाकई में क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए था हो पाया है? हो तो नहीं पाया, शिक्षा का तो दम चौपट कर दिया सर। अच्छा, शिक्षा का तो दम ऐसा कर दिया कि तो निजीकरण से उसको भी निजीकरण कर देता रेलवे की तरह, तभी अच्छा रहता। चलिए, तो केंद्र की बात हो गई, अगर बिहार की बात कर ली जाए, एक तरफ एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार फिर से उनके विधायक चुनावी मैदान में नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से उतरे हुए हैं, एक तरफ आपके वर्तमान विधायक शक्ति सिंह यादव भी हैं, तीसरा विकल्प भी एक नजर आ रहा है पप्पू यादव का, किसके तरफ रुझान है? लेकिन रुझान तो पप्पू यादव की और आदमी को होना चाहिए, जिस तरह से काम करते हैं, बाढ़ आया तो पटना में सभी को समझ किए और देहात में भी घूले, सब जगह कुछ किए हैं। तो पप्पू यादव के द्वारा किए गए कार्य को आप लोग भूले नहीं है? नहीं, भूले तो नहीं है, जो देखे हैं लॉकडाउन में भी सब जगह आलू चावल और सरफ साबुन बांटे भी हैं, प्याज मांगा हुआ। उनके पार्टी की तरफ से यहाँ से आपके हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राजू दानवीर उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या लगता है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं, सब मिलते हैं। लोगों का मानना है कि पप्पू यादव की तरफ भी एक रुझान है और एक तीसरा विकल्प के रूप में पप्पू यादव भी इस विधानसभा क्षेत्र से खुलकर नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, किसके तरफ रुझान है, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन, तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प। क्यों तीसरा विकल्प, एनडीए गठबंधन से नाराज है, महागठबंधन नाराज है? हमारा गाँव जो अति जोगीपुर के बगल में महेशपुर हुआ, अभी भी नली गली पूरा अधूरा, अति सात निश्चय जो भी काम हुआ, जी तो कह रहे हैं कि घर घर तक पानी पहुंचा दिए, देखने का चीज है, तो महेशपुर मेरा गांव जाके देख सकते हैं, जो मेरा अभी तक नली गली घर के बगल में ऐसी पंखा बन के रहता है। नीतीश सरकार से नाराज है, यानी कि महागठबंधन लालू की तरफ जाइएगा? नहीं, तो वो भी तो पहले से बदनाम है। अच्छा, वो भी बदनाम है, तो एक तीसरा चेहरा की तलाश है? हाँ, हम पप्पू यादव की ओर जाना चाहते हैं। तो क्या लगता है पप्पू यादव का, तो आपके क्षेत्र में काफी अच्छा मिल रहा है यहाँ से फीडबैक, तो क्या पप्पू यादव के प्रत्याशी आएंगे तो इस कार्य को, अधूरा जो कार्य पड़ा हुआ है, उसे पूरा कर पाएंगे? हाँ, पूरा तो करना की उम्मीद है, कहे कि जो अभी मैदान में नहीं है तो भी पूरा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों का, तो उस वक्त भी पूरा करने की उम्मीद हम लोग आस लगाए बैठे हैं। चलिए, आपको क्या लगता है सर, क्षेत्र की स्थिति क्या है और जनप्रतिनिधि की स्थिति क्या है, फिर से वो विधायक आ पाएंगे? क्षेत्र का स्थिति ठीक है सर, दारू शराब बंदी हो गया तो कम से कम खुश चैन से है। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश जी दारू बंद करवा के और होम डिलीवरी शुरू कम से कम, तो कम से कम गाड़ी घिना तो बंद है ना, घर पे फोन करने पे घर पे दारू आ जाता है। और हम रणवीर जी को देना चाहते हैं। अच्छा, रणवीर जी तो पप्पू से, अच्छा, पप्पू यादव के, राजू दानवीर जी पप्पू यादव के पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या लगता है? वो बहुत अच्छा उम्मीदवार है, उनके साथ बैठे हैं एक रोज, साथ में गपशप हुआ है, हमें थे पप्पू और थे और दो चार, हमको नेता अच्छा लगा। जितना चेहरा है उसमें सबसे अच्छा आपको पप्पू यादव का चेहरा लग रहा है? जिना दानवीर जी के, पप्पू यादव के हम नहीं चिनते, दानवीर यादव का पार्टी की तरफ से ही दानवीर जी हैं। हाँ, तो उनको हमको अच्छा लगा।
उनको मैं मदद करूंगा, अपना वोट देंगे। जैसे कि आप देख रहे थे जोगीपुर बाजार के लोगों का, जोगीपुर क्षेत्र के लोगों का किस प्रकार से मत है, किसके तरफ समर्थन है। फिलहाल हम मौजूद हैं थरथरी बाजार में, यहाँ के लोगों से जुड़ के जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों का समर्थन किसके तरफ है। क्या लगता है सर, एक तरफ एनडीए गठबंधन, महागठबंधन, क्या लगता है तीसरा विकल्प भी सामने है? महागठबंधन ठीक लगता है। महागठबंधन से आपके तो राजद से विधायक हैं, यहाँ से क्या लगता है फिर से आप आएंगे? आएंगे, फिर से आएंगे। एनडीए गठबंधन के तरफ या फिर बात कर ली जाए तीसरे गठबंधन की तरफ, तीसरा मोर्चा पप्पू यादव की तरफ बात कर ली जाए, तो क्या लगता है उनका कुछ बोलबाला है या फिर? तीसरा का तो बोलबाला नहीं है, नहीं है उनको बोलबाला। क्या लगता है आपको, क्या लगता है एनडीए गठबंधन या महागठबंधन या कोई तीसरा नया चेहरा? तीसरा नया चेहरा भी है, पप्पू यादव तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं, उनके प्रत्याशी हैं राजू जानवीर, क्या लगता है आपको? उनको बहुत सा यहाँ चल रहा है बातचीत, हाँ लोगों का मतलब बहुत आकर्षित है। तो पप्पू यादव के तरफ पे लोगों का मत जा पाएगा, लोगों का समर्थन है, समर्थन है यहाँ। क्या लगता है पप्पू यादव के पार्टी की तरफ से राजू जानवीर यहाँ से अगर जीत कर जाते हैं तो काम कर पाएंगे? हाँ, पूरे काम कर पाएंगे। आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का रुझान क्या है, किसके प्रति समर्थन है, क्या लगता है सर आपको, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी या महागठबंधन? हम लोग तीसरा विकल्प में है। तीसरा विकल्प में तो पप्पू यादव सामने, हाँ तो उन्हीं को हम लोग हैं, इसलिए कि विकास भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो जितना भी जीत के भी गए या इधर से हिलसा विधानसभा क्षेत्र से, सब अपने पेट भरे, बस दूसरे को कुछ नहीं देखे जनता को। तो ऐसा है पप्पू यादव के पार्टी की तरफ से जीत के जाएंगे तो काम कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। क्या लगता है शक्ति सिंह यादव के पता कट जाएगा यहाँ से? पत्ता कटना ही कटना। आपको क्या लगता है सर, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन या तीसरे विकल्प, कोई नया चेहरा? अभी जो ऑप्शन विगत 2005 के पहले का जो चल रहा था बिहार का रंग रूप, और 2005 से जब एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी का सरकार आया है, तब से जो विकास का बयार बह चुका है पूरे बिहार में, तो इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि पुनः हमारे नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का ही सरकार और आगे तक चलना चाहिए, ताकि जो भी विकास का बचा हुआ कार्य है वो पूर्ण। मतलब कि यहाँ से महागठबंधन से फिर से उम्मीदवार है शक्ति सिंह यादव, क्या लगता है जीत पाएंगे, निकल पाएंगे? एक्चुअली पिछले बार जो महागठबंधन की सरकार बनी थी और उसमें हमारे शक्ति सिंह यादव जो यहाँ हिलसा से विधानसभा के विधायक चुने गए थे, पूरा श्रेय हमारा नीतीश कुमार सरकार का था। उन्होंने जब पिछले साल 2005 से 2015 तक का जो विकास का कार्य किया, उसके फलस्वरूप उनको मिला था वोट। आपका मानना है कि एनडीए की सरकार फिर से आएगी? बिल्कुल बेहिचक। हिलसा विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव से भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, आइए जुड़कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है यहाँ की जनप्रतिनिधि की, क्या स्थिति है विकास की, क्या लगता है सर आपको क्षेत्र में जो विकास हो पाना चाहिए था, स्थिति क्या, स्थिति बताइए। स्थिति सर बल इतना खतम है कि यहाँ विकास हो नहीं रहा है, तो स्थिति से यही सोच रहे हैं कि जो भी आते हैं तो कह तो देते हैं पहले कि विकास महमूदपुर में होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो शक्ति सिंह यादव यहाँ से विधायक चुने गए हैं, फिर से चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है आपको महमूदपुर का जो विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हो पाया है, तो अब की बार किसके तरफ समर्थन जा रहा है आप लोगों का? समर्थन की बहुत सर बात यह है कि समर्थन तो अब देने की जब बात, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन, फिर एक नया विकल्प भी है पप्पू यादव। हाँ, तो पप्पू यादव हथिन, फिर राजू यादव भी आथिन। पप्पू यादव के पार्टी के तरफ से उनके प्रत्याशी यहाँ से उतारे गए हैं राजू जानवीर, क्या लगता है उनको आना चाहिए? स्वच्छ छवि के नेता हैं, साफ सुथरा छवि के नेता हैं, लोगों का ऐसा मानना है। हाँ ठीक है, आवेंगे तो देखा जाएगा फिर। बिल्कुल, चलिए और कुछ लोग भी मौजूद है बातचीत करने के लिए, क्या लगता है सर आपको क्षेत्र का विकास हो पाया सर? जी नहीं सर, नहीं हो पाया। हम लोग को नली बनाते बनाते कहा है कि नली अभी तक नहीं बना है सर। हम लोग विधायक जी के काम से संतुष्ट नहीं है आप? जी नहीं। तो क्या लगता है विधायक जी फिर से चुनावी मैदान में हैं, फिर से उतरे हुए हैं, क्या लगता है जीत पाएंगे? ये देखिए सर, ये तो समय बताएगा। तो आप लोगों का क्या समर्थन किसके तरफ है, मत किसके तरफ है, महागठबंधन, एनडीए गठबंधन या एक तीसरा विकल्प के रूप में है राजू जानवीर पप्पू यादव के पार्टी के तरफ? हम लोग तो राजू जानवीर की तरफ से काम करेंगे। राजू जानवीर को यानी पप्पू यादव के चेहरा पर हम लोग वोट करेंगे? जी हाँ। क्या लगता है पप्पू यादव की तरफ से यहाँ से जो विधायक प्रत्याशी है राजू जानवीर जीत कर जाते हैं तो विकास का काम कर पाएंगे क्षेत्र के लिए? हाँ हाँ, जरूर करेंगे। ये बिल्कुल लोगों का मानना भी है कि अगर तीसरा विकल्प यहाँ से आता है, तीसरा विकल्प की तरफ से अगर कोई भी प्रत्याशी सामने आते हैं तो जीत की उम्मीद है और क्षेत्र की विकास की भी उम्मीद लोगों को है। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? कह रहे थे कि यहाँ पर एक मौत भी था, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना जो सड़क है ना यहाँ से वहाँ तक, तो वहाँ तक नाला बना हुआ है, इसमें हम कह रहे थे कि मैंने यहाँ पर भी वहाँ से लेकर नाला छूट गया है,
तो नली गली वाला जो काम विधायक जी से कंप्लेन नहीं किए, मुखिया से कंप्लेन नहीं किए, वो सब करके बैठ गए लेकिन नहीं हुआ। तो ठीक है, राजू दानवीर के हम वोट देंगे, मानते हैं, वोट तो देंगे, पक्का देंगे वोट, बशर्ते बात यह है कि पहले काम कर दें। नाली गली वाला जो काम है यहाँ से वहाँ न ले, वहाँ तक ला। इनका मानना है, इनका सोच है, आपको क्या लगता है क्षेत्र के विकास के लिए एक तीसरा विकल्प की ओर बढ़ेंगे आप लोग या फिर जो विधायक है उन्हीं को जिताना है या इंडिया गठबंधन की? वो तो खैर संभव नहीं है कि विधायक जीतेगा, जो पहले जीता हुआ प्रत्याशी जो था वो जीत पाएगा, क्योंकि वो कहता है कि हमको कोई वोट नहीं दिया है तो जीत गया तू कैसे, साफ कहना है, हमारा मुँह पर बात वाला है ये बात। नाराजगी है विधायक जी को लेकर? बहुत हद से ज़्यादा नाराजगी है। तो क्या लगता है किसके तरफ पलड़ा भारी होगा आपकी बार आपके विधानसभा से? राजू दानवीर ही के आना ही होगा इस पे। तो राजू दानवीर मतलब यहाँ से निकल जाएंगे? एकदम पक्का गारंटी है कि निकलेगा। विधायक है शक्ति सिंह यादव, वो भी चुनावी मैदान में है राजद के टिकट पर, क्या लगता है? नहीं, वो इस बार नहीं जीतेंगे, विकास किए नहीं है हमारे क्षेत्र में। हिलसा का मूलभूत समस्या है, हिलसा में पार्क का मांग था, पूर्वी बाईपास का मांग था, बहुत सारे जगह पर शौचालय वगैरह का मांग था, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है। विधायक जी तो कह रहे हैं काफ़ी सारा हमने हिलसा विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। कहाँ, पिछले बहुत दिनों से हमारा मांग था पार्क का, कहाँ पूरा हुआ हमारा? मतलब विधायक जी जो काम करना चाहिए उनको वो काम नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। युवा हैं आप, क्या लगता है क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए था वो विधायक जी विकास करवा पाए हैं? विधायक जी जाते हैं गाड़ी से जो एक बार शीशा उतरता नहीं है, विकास क्या होगा? रोड पे नाली गाली में देख रहे हैं पानी पानी है, जाते हैं तो ठेगुना भर पानी लगता है, वो चीज़ होता नहीं है कभी स्कूल में या कोई चीज़ में या शिक्षा संस्थान में, तो आते नहीं हैं, बस इधर उधर, बस वो गया तो उसके बारे में शिकायत, ये गया तो उसके बारे में शिकायत, ये हमारे विधायक जी का पॉलिसी है। एक तरफ लालू नीतीश हैं, दूसरे तीसरे तरफ एक नया विकल्प है पप्पू यादव की तरफ से, उनका उम्मीदवार है राजू दानवीर, क्या लगता है? राजू दानवीर तीसरा विकल्प है, अगर शक्ति ज़्यादा पर हम लोग को विकल्प नहीं गया तो राजू दानवीर पे देंगे, नहीं तो फिर जदयू को देंगे हम लोग वोट। मतलब उनका भी बोलबाला है पप्पू यादव की तरफ से, जो उम्मीदवार है उनका? हाँ, पप्पू यादव का भी बोलबाला है, पर हम लोग को विकल्प नहीं रहेगा तो राजू दानवीर को चुना जाएगा। चुनावी मैदान में फिर से शक्ति सिंह यादव आ गए हैं। माले नहीं है कि आ जाएंगे तो हिलसा रहना हम छोड़ देंगे। तो क्या लगता है नीतीश कुमार आएंगे? अब नीतीशों की स्थिति गंभीर है, ये अढ़ाई साल से उनको स्थिति खराब है। तीसरा विकल्प है पप्पू यादव, उनके तरफ से राजू दानवीर है, जानते हैं उनको? पप्पू यादव तो अपने क्षेत्र से वो बहुत बढ़िया आदमी है, गरीब के मसीहा है, अगर पप्पू यादव के वोट ना दे तो उससे चोटा कोई नहीं होगा। क्या लगता है फिर से शक्ति सिंह यादव को आप लोग वोट करेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लालू नीतीश या पप्पू यादव? पप्पू यादव की तरफ से आपके हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राहुल दानवीर को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या लगता है अगर राहुल दानवीर यहाँ से जीतते हैं तो विकास का कार्य कर पाएंगे, पप्पू यादव के उम्मीदवार हैं वो? जी होगा वो। चलिए, और कुछ लोग भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, लोगों से बातचीत करके जुड़ने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप, एक युवा हैं, कहाँ से हैं आप? हिलसा विधानसभा क्षेत्र से ही हैं? जी हाँ, इसी क्षेत्र है। क्या लगता है क्या स्थिति है आप लोग, आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, यहाँ से किसके तरफ लोगों का रुझान है, लालू नीतीश या पप्पू यादव? यहाँ ना लालू है ना नीतीश है, यहाँ पे पप्पू यादव का सरकार बनने जा रहा है। तो क्या लगता है पप्पू यादव के तरफ से, यहाँ से तो उनके उम्मीदवार उतारे गए राहुल दानवीर, क्या लगता है जीत पाएंगे? एकदम जीत जाएंगे, उन्हीं का बोलबाला है। क्या लगता है तो मतलब शक्ति सिंह यादव भी यहाँ से विधायक है, फिर से चुनावी मैदान में है, नीतीश कुमार के भी कैंडिडेट है? उनका अब समय खत्म हो गया, अब स्टार्ट होगा पप्पू यादव का। अच्छा, तो मतलब पप्पू यादव के चेहरा पर आप लोग वोट करेंगे? एकदम सही, 100%।